यूएन की क्रेडिबिलिटी अब क्वेश्चनेबल हो गई है अगर यूएन ने कुछ नहीं किया तो। मैं अपने मेहमानों के पास आ रहा हूं, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर ब्रेक कर रहे हैं श्रीनिवास। भारतीय सेना एलएसी से लेकर एलओसी तक तैयार, पाक चीन से निपटने के लिए तैयार, हिंद की सेना रणभूमि के लिए तैयार, भारतीय सेना ने दिखाया दम। इंडियन आर्मी ने युद्ध अभ्यास का वीडियो जारी किया है और मैं सीधे चलूंगा श्रीनिवास के पास। श्रीनिवास, वो प्रोपोगंडा करते हैं, हम हकीकत दिखाते हैं। निशांत, हमने ये पहले भी देखा कि पीएलए की तरफ से उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने हॉलीवुड फिल्म की वीडियो डाली और ये दिखाया कि चाइनीज सेना यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही है, लेकिन आज हिंदुस्तान की तरफ से चीन को पूरी तरह से दिखा दिया गया कि हमें नकली तैयारी नहीं है। निशांत, मैं एक बात बताऊं, जैसा कि आपने अभी बताया कि मैं आज ही यहाँ आया हूँ, जैसे मैं एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा था, आईटीबीपी के एक जवान ने जब ये जाना कि हम मीडिया से हैं तो उसने हमसे ये सवाल किया कि हाउ इज द जोश। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो हमारे जांबाज मौजूद हैं उनके जोश कितने हाई हैं और किस तरह की हमारी मुस्तैदी या एलएसी के। ठीक है श्रीनिवास, आपने जो पॉइंट रखा है मैं सीधे आगे बढ़ूंगा। यहाँ पर मैं जनरल सिन्हा और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है कपिल सर और युक्तेश्वर जी। सर, हमारे सामने एक बहुत बड़ी चीज है और उस चीज को लेकर जो ग्लोबल लीडर के तौर पर हम अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं वो है यूएन में परमानेंट सीट। लेकिन जल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अगर यूएन की इंपॉर्टेंस ही, यूएन की क्रेडिबिलिटी ही एक सिंबोलिज्म तक सिमट गई है तो फिर क्या परमानेंट सीट? निशांत, बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, यूएन के पहले भी लीग ऑफ नेशंस रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के yes, sir. जब उसकी रेलेवेंस खत्म हो गई तो यूनाइटेड नेशंस आया था। तो यूनाइटेड नेशन ने कुछ अच्छे काम किए, कोल्ड वॉर तक चलता रहा, उसके बाद पूरे के पूरे यूनाइटेड नेशंस ने अपने जितने भी चीजें थी उसको खो डाली और ये फंस गया। वो जो पांच इसके मेंबर्स हैं जिसको आप कहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के लोग, वो इसको चलाते रहे, उसमें चाइना एक बहुत बड़ा हिस्सेदार रहा है। चाइना का पहले भारत को मिलना था यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल की सीट, मगर हमने चाइना को दिया। ये यूनाइटेड नेशन की गलती नहीं है, यूनाइटेड नेशन आपको देना चाहता था, आपने कहा चाइना को दे दीजिए क्योंकि वो हमसे बड़ा देश है, हमसे ज्यादा तरक्की है, वो ज्यादा डेवलप्ड है, ज्यादा काबिल है। देखिए, यदि यूनाइटेड नेशन के ऊपर आप फिंगर डालेंगे तो हमारी कमियों पर भी आप फिंगर डालिए। हमने क्यों दिया, हमने क्यों जाने दिया? यूएन के अंदर में आप रेजोल्यूशन लेके गए थे इसी पीओके के ऊपर, उन्होंने कहा है गिलगित बल्तिस्तान में नहीं हो सकता विस्तारवाद, यूएन ने कहा है, रेजोल्यूशन है। क्या हमने उसके ऊपर कार्रवाइयां की? सही कह रहे हैं, आज वेल सेड सर। आज आपको करना पड़ेगा, यूएन एक बॉडी है। देखिए, यूएन की तरफ से मैं नहीं लड़ रहा हूं, मैं यूएन में रहा हूं तो दैट मैं जानता हूं। यूएन की अब मैं उसको सपोर्ट नहीं करता, यूएन को खड़ा होना है और आज यूएन की छटपटाहट यही है, छटपटा रहा है वो, नहीं तो खत्म हो जाएगा। आप जो बता रहे हैं सर, मैं आपकी बात को थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा जंग साहब। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके न घर के न घाट के, देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,